नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त महीना मीन लगने के लिए कैसा रहेगा, पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा अगस्त महीना। देखिए, मैं लग्न कुंडली को पहले पहचानी और पहले घर में 12 लिखा हुआ, दिस इज द फर्स्ट हाउस। एसेंडेंट लिखा हुआ यहाँ ASC या लग्न का ल लिखा हुआ। लग्न कुंडली में अगर पहले घर में 12 लिखा है तो 12वीं राशि है जो आपका लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। 12वां राशि मीन है, अगर आपका मीन लगना है तो ही देखिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं कि आपके कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां 12 लिखा होगा, चंद्र लिखा है वहां 12 लिखा होगा, तो आपकी मीन राशि है, मीन लग्न नहीं, रिमेम्बर दिस। तो अगर मीन लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को मीन लग्न को देखता हूं। देखिए, भलाई आपके अंदर ही है, ब्लड में ही आपके भलाई है, आपकी दोस्ती सबसे होती है। आप एक से ज्यादा घर के स्वामी होते हैं, जो भी मीन लगने वाले हैं एक से ज्यादा घर के स्वामी होते हैं। सप्तमेश बुध है, मतलब मैरिज लाइफ का पार्टनर आपकी चॉइस का होता है, आपको अच्छा लगता है उसके साथ आपका विवाह होता है, दिखने में आपका अपेयरेंस बहुत सुंदर होता है। मीन लग्न, वृषभ लग्न और तुला लग्न, वृषभ तुला और मीन, ये शुक्र के इफेक्ट वाले लग्न है, यानी कि ज्यादातर मैं सुखी लोगों को देखता हूँ, हैप्पी पीपल। एक फाइनेंशियली हैप्पी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जिंदगी में आनंद से जीने वाले लोग वृषभ तुला और मीन। मंगल लग्न में आ गया है, देखिए आपका पहली बात एट ए ग्लांस आप देखें, इस आपका लग्नेश दशम में है, यानी कि आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको 2028 नवंबर तक। आपको आपका बिजनेस शुरू करना हो तो बेस्ट टाइम है नवंबर 2020 तक, पर्टिकुलरली देखिए 14 मई से 12 सितंबर तक आपका लग्नेश गुरु रेट्रो भी है, तो कुछ काम रुकेंगे, बट लग्न के मंगल वाला काम जो है, लग्न में मंगल है, ये मंगल करे दंगल है, यानी कि 18 जून से लेकर 15 अगस्त तक आपके बोलने पर भी ध्यान रखिए। आपके बोलने से भी विवाद खड़ा हो सकता है, कोई ना कोई झगड़ा सामने से चल के आपके सर पे भी आ सकता है। आपके पास देखिए, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, लग्न में मंगल का आने का मतलब है कि आप एनर्जी से भरे रहेंगे, एक से ज्यादा घर के मालिक आप आपके जीवन में होंगे। राहु अभी फोर्थ हाउस में है, पर्टिकुलरली 23 सितंबर तक कुछ भी शुभ कार्य वो घर में नहीं होने देगा, और 23 सितंबर तक आपका घर का मामला, पर्टिकुलरली हाउस का, मन के अंदर ये शांति भी नहीं लेने देगा। विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए 19 अगस्त को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बाहिएगा, ये लाभदायक रहेगा। एवरी वेनसडे विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए और लाभदायक रहेगा। राहु शुक्र का युति आपके फोर्थ हाउस में है, ये देखिए गुरु राहु का अपोजिशन भी है कर्मस्थल में लग्नेश। एक केंद्राधिपति दोष के बारे में लोग लिखते हैं, बोलते हैं, देखिए जो भी लग्नेश है ये केंद्र है, ये त्रिकोण भी है, त्रिकोण और केंद्र का, तो ये लग्नेश है, इसके लिए आपको गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लागू होगा, ध्यान में रखिएगा। ये कुछ भी लिखते रहते हैं, कुछ भी आपका अनुभव क्या बोलता है, लग्नेश अगर कर्मस्थान में, यानी कि आपके काम धंधे के लिए 2020 बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आप चाहेंगे वहां ट्रांसफर ले पाएंगे नवंबर तक, 14 मई से 12 सितंबर तक काम आपका स्लो भी होता हुआ दिखाई देगा आपको, और शनि 11वें स्थान में है, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से देखेंगे तो देखिए आपके बहुत धीरे 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 आपके जो पैसा जो सेव्ड हुआ है उसमें कोई ना कोई मेजर चेंजेस, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मेजर चेंजेस होगा। शनि की आपके संतान स्थान पर आस्पेक्ट है और सूर्य ऑलरेडी वहां है। देखिए ये महीना 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपके बच्चे हैं उनसे विवाद टालिएगा, क्योंकि शनि सूर्य का अपोजिशन है, बच्चे सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा होंगे, आप ईगो भी समझ सकते हैं। पर्टिकुलरली देखिए आपका सप्तमेश बुध पंचम में मैरिज लाइफ के साथ, स्पाउस के साथ का भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, लेकिन बुध 2 अगस्त से 16 अगस्त तक कर्क में, बाद में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक सिंहस्थ हो जाएगा। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक में आपको आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए भी थोड़े केयरफुल रहना है, उसके साथ भी विवाद को टालिएगा। 17 अगस्त से 1 सितंबर सप्तम में 6 में पति या पत्नी से झगड़ा होने की संभावना भी बता रहा है, लग्न में मंगल है, आप ट्यूजडे को उपवास करते हो तो बहुत अच्छा है, कम से कम 18 जून से 15 अगस्त तक जितने ट्यूजडे आते हैं उस दिन उपवास करिएगा, किसी पुअर पीपल को अन्न का दान करिएगा, ये मंगल का दोष कम हो जाएगा। और
चतुर्थी का, इधर अगर मंगलवार को उपवास करें या 7 अगस्त को, देखिए 7 अगस्त को चतुर्थी है, 7 अगस्त संकष्टी चतुर्थी, 7 अगस्त के दिन भी आप अगर उपवास करते हैं तो आपका देखिए मंगल का नेगेटिविटी कम हो, और सामने से चल के देखिए मंगल आपके धनस्थान का स्वामी, यानी कि कुछ बोलने से विवाद खड़ा हो जाएगा आपका जीवन में। देखिए मंगल है तो देखिए लग्नेश और कर्मेश एक ही ग्रह, आपके जीवन में जो भी आपने पाया है वो आपकी मेहनत से संघर्ष से पाया। मैं आप जैसे लोगों को देखिए, आपके कर्मस्थान में सेजिटेरियस राशि है, धनुराशि, धनुराशि को दरिया पार से संबंध है, यानी कि ओवरसीज ट्रैवलिंग से दरिया पार से धनुराशि को संबंध है, फाइनेंस से, ये गुरु का घर है, फाइनेंस से संबंध है गुरु को, एडवाइस से संबंध है यानी कि टीचिंग या एडवाइजरी या फाइनेंस, और पर्टिकुलरली फॉरेन कंट्रीज से आपको लाभ हो सकता है। ऐसे व्यवसाय आपके काम के व्यवसाय माने जाते हैं। मैंने अधिकतर स्पाइसिस को देखा है, एक से ज्यादा घर के स्वामी, वाइफ बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल वाइफ, अनजान लोगों से बोलना ना पसंद करते हैं, ऐसे वाइफ है आपके एकदम व्यवहारिक, और एक बार पहचान हो जाए बाद में बहुत बोलने वाली वाइफ, आपकी मैरिज लाइफ का स्पाउस यानी कि वाइफ या हस्बैंड इस तरह का होगा, पैसा जल्दी नहीं छूटता उनके हाथ से, ये आप अच्छी तरह से वाकिफ है। और मीन लग्न के लिए देखिए, अभी ये महीना मैंने ऐसा लिखा है, टाइम टू लर्न समथिंग, कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करने को मिल जाएगा आपको, हो सकता है ये टाइम टू लर्न समथिंग है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, बच्चे से विवाद, पर्टिकुलरली 16 जुलाई से 15 अगस्त तक संतान से विवाद को हो सके तो टालिएगा। लग्न में मंगल है, एग्रेशन भी काफी रहेगा 15 अगस्त तक आपके बारे में सामने से मुसीबत झगड़ा मोल नहीं लीजिएगा लग्न में मंगल के कारण। और ये फिटनेस को देखिए, मंगल लग्न में होगा, ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, बर्थ का मंगल आपके तो ट्रांजिट का है, 18 जून से 15 अगस्त तक आप फिटनेस को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाएंगे, ध्यान देंगे लग्न, अगर जो बर्थ का अगर मंगल लग्न में है अगर आपके कुंडली में, तो आदमी जिम में जाता है, फिजिकल फिटनेस को ज्यादा ध्यान देता है, फुल ऑफ एनर्जेटिक पर्सन, लेकिन झगड़ा संघर्ष ये पीछा नहीं छोड़ता लग्न का मंगल, मतलब मंगल करे दंगल, ये झगड़ा करने का वाला ग्रह है, एनर्जेटिक ग्रह है। और ये है अभी अबाउट, आपको एक गज केसरी योग के बारे में और एक थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए चंद्र मने बहना, चंद्र मने सफेद कलर का चीज, चंद्र मने पानी, और गुरु मने पैसा, यानी कि पानी की तरह पैसा बहता है इन तारीखों को, जिनके भी जन्म कुंडली में गज केसरी योग होता है तो लोग बोलते हैं गज केसरी योग बहुत अच्छा चीज, बट गज केसरी योग को ये भी देखना पड़ता है कि चंद्र और गुरु दोनों अच्छे घर के स्वामी होता है, अच्छा फल देता है आपके लिए, चंद्र गुरु बहुत अच्छा फल देता है लग्नेश और पंचमेश, और ये पांचों पांच तारीख आपके लिए अच्छा है। मैं बताता हूँ गज केसरी योग कब होता है, देखिए गुरु ट्रांजिट का सेजिटेरियस में, यानी कि चंद्र धनु राशि में आएगा तब, मीन राशि में आएगा तब, मिथुन राशि में आएगा तब, और कन्या राशि में आएगा तब गज केसरी योग बनता है। धनु, मीन, मिथुन और कन्या, इसमें जब भी चंद्र आएगा, हर 2 दिन से चंद्र आगे के घर में शिफ्ट होता है, यानी कि आपके लिए देखिए 2 अगस्त चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना है, 9 अगस्त को बना है, 16 अगस्त को बना है, 22 अगस्त को चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना है, और 29 अगस्त का गज केसरी योग बना है। ये पांचों दिन आपके लिए अच्छा है। आपका अगर अपना बिजनेस है, देखिए लग्नेश कर्मस्थान में है, तो आप आपका खुद का बिजनेस या जॉब को, दो जॉबलेस उन लोगों को नवंबर के पहले एक अच्छी जगह उनके काम धंधे के लिए मिल जाना चाहिए, लग्नेश कर्मस्थान में है ये। जो लोग घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए राहु यहाँ हटते ही 23 सितंबर के बाद नया घर भी प्लान कर पाएंगे आप, न्यू हाउस कैन बी प्लान आफ्टर 23 सितंबर। जब तक राहु फोर्थ में है, अगर आपको थर्ड फोर्थ हाउस का राहु वास्तु दोष वाला घर भी दे सकता है, तो ये जो मैंने बताया पर्टिकुलरली देखिए धनु का जो है ये आपके कर्मस्थान का गज केसरी योग, फिर ये मीन का तो ये आपके लग्न का है, और ये घर का स्थान का है मिथुन का, और ये मैरिज लाइफ के हाउस का है, यानी कि ये चारों पांचों दिन गज केसरी योग। जिस दिन अगर आपको किसी से पेमेंट कलेक्शन लेना हो, आप किसी से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे, तो इस गज केसरी योग के दिन जरूर मांगिएगा, आपका 99% काम हो जाना चाहिए। देखिए ये ट्रांजिट की ताकत है, आप हमेशा याद रखिएगा, आपका विषोत्तरी दशा भी देखते रहिएगा, आपका जन्म कुंडली में जहां भी शुक्र है ध्यान में रखिएगा, शुक्र आपके कुंडली का सबसे बड़ा दुश्मन ग्रह, अष्टमेश है और तृतीयेश है, आपके जन्म कुंडली में शुक्र जहां भी है वो समस्या होगा,
वो हाउस के लिए समस्या होता है मीन लगने के लिए। देखिए विश्वोत्तरी महादशा को देखिए, गुरु की महादशा है आपको द बेस्ट टाइम, और चंद्र का महादशा हो वो भी बेस्ट है, पंचमेश है, तो दशा भी जरूर देखें। जैसे शनि का महादशा है, देखिए आपको हमेशा भलाई महंगी पड़ती है, आपका जो भलाई करने का जो नेचर है व्यय है, शनि लाभेश और व्यय है। आप ज्यादातर मैं आपका मीन लगने वालों को देखता हूँ कि भलाई उनको बहुत महंगी पड़ जाती है, किसी की भलाई करने में उनको ज्यादा अपना पर्सनली प्रॉब्लमेटिक जगह पे आ जाते हैं। और देखिए जब तक मंगल लग्न में 18 जून से 15 अगस्त, किसी के झगड़े के मैटर में भी केयरफुल रहिएगा, सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा 18 जून से 15 अगस्त तक। बाद में देखिए 16 अगस्त से 3 अक्टूबर मंगल आपके मुंह में जाएगा, यानी कि यू विल बी अगेन एग्रेसिव, आपके बोलने को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो बेटर है एवरी ट्यूजडे को, अगर आप उपवास करते हो तो बेस्ट है, उपवास नहीं कर सकते तो अन्न का दान करें, आपका झगड़ा कम होगा। दूसरी बात देखिए, मैंने बैड डेज को मार्क किया, एक विष्णु सहस्रनाम मैंने करने के लिए बोला है आपकी मन की शांति के लिए, एवरी वेनसडे एवरी अमावस विष्णु सहस्रनाम करें 19 अगस्त को अमावस के दिन, और बहते जल में नारियल को बहाइए, वेनसडे को भी विष्णु सहस्रनाम करें तो भी लाभदायक रहेगा। ये बैड डेज, ये इसको कहीं कैलेंडर पे मार्क करें, चंद्र जब 6, 8 या 12 हो, यानी कि ये 6वां, 8वां या 12वां हो, ये दिनों में ये मानसिक त्रबल दे सकता है, तकलीफ देता है, अनुभव यही बताता है। तो चंद्र जब 6वां स्थान में है, देखिए 1 तो 12वें स्थान में है, 5 और 6 अगस्त को, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, कहीं ना कहीं गुस्से में आएंगे, खर्च होगा, केयरफुल रहिएगा पहले से कि आपको ज़्यादा काम करना ही है इस दिनों में, मेंटली ये मेंटली अनफिटनेस का दिन है 5 और 6 अगस्त। 12वां चंद्र 19 और 20 अगस्त, 12वां चंद्र इंस्टेबिलिटी भी देता है, 19 और 20 अगस्त को 6वां चंद्र, यानी कि ये आपके हेल्थ के इश्यू दे सकता है, खर्च का खर्च हो सकता है, कहीं ना कहीं शत्रु पीड़ा दे सकता है 19 और 20 अगस्त। 23 और 24 अगस्त को एक दुखजनक अपमानजनक सिचुएशन से आप पास होंगे, यानी कि ये चीज जो होगा आपके पत्नी का जो परिवार है या आपका पति का परिवार है वो बड़े आनंद में हो सकता है, बट आप कहीं ना कहीं 23 और 24 अगस्त को टेंशन में होंगे। तो ये है आपका केयरफुल रहने का तारीख, पर्टिकुलरली इसको मार्क करके रखिएगा। अच्छी चीज होने के लिए बहुत चीजें लगती, क्वालिटीज लगती, लेकिन बुरी चीज होने के लिए ज्यादा क्वालिटीज नहीं लगती। तो ये ध्यान में रखें कि जब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव दिनों को ज्यादा केयरफुल रहे, बाकी के दिनों में भले शुभ नहीं होता, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ लग्नेश आपके कर्मस्थान में है, 2020 मीन लग्न के लिए कर्मस्थान में पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए बहुत अच्छा है, राहु बदलते ही आपका घर का भी पॉजिटिव, सितंबर से 23 सितंबर से 20 नवंबर से पहले, 23 सितंबर के बाद और 20 नवंबर के पहले आपके घर के एक अच्छे खासे योग बन रहे हैं, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। देखिए घर बनने के योग ट्रांजिट से बनते हैं, चतुर्थेश के सामने से जब शनि पास होता है तभी भी घर के योग बनते हैं, लेकिन मेरे पास आपका चतुर्थेश जन्म का नहीं है, इसके लिए जो ट्रांजिट के जो रूल है वो मैं यहाँ अप्लाई करके प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए गुरु वक्री है 12 सितंबर तक, जिंदगी का कर्मस्थान का आपका स्पीड है 14 मई से 12 सितंबर तक, यानी अगस्त महीना मैंने बोला टाइम टू लर्न समथिंग, दिस इज कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी देगा, आपका माइंड एकदम रिलीजियस हो जाएगा इस टाइम में, और टाइम टू लर्न समथिंग इन शॉर्ट। और ये दिनों को आप अजमा के देखिएगा, अगर आपका बिजनेस है चंद्र गुरु का गज केसरी योग पैसा देता है, कभी कभी कोई पुअर पीपल लोग बोलते हैं कि आप पीला कलर का चीज खरीद लो गज केसरी योग के दिन, ये सब आपकी मर्जी की बात है, गज केसरी योग है वो एक अच्छा फल तो देता है, चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके लिए 101% अच्छा फल देने वाला साबित होगा, और ये महीना आपके लिए मैं मानता हूं अच्छा है। ये मंगल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डू नॉट गेट एक्साइट ड्यूरिंग फ्रॉम 18 जून टू 3 अक्टूबर तक मैं बोल रहा हूँ, 16 अगस्त से 3 अक्टूबर आपकी जवान भी खराब हो सकती है, आपका मुंह खराब हो सकता है, पारिवारिक विरोध हो सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 18 जून से 15 अगस्त तक मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा, और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। Thank you very much for